हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फेस पैक लेके आई हूँ जो आपके दाग धब्बे, दाग स्पॉट और डार्क सर्कल को कम करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल का आटा ले लिया है। चावल का आटा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए। ये हमारी स्किन पे वाइटनिंग का काम करता है। और यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा जेल भी हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैंने पोटैटो जूस लिया है, थोड़ा सा कद्दूकस करके पोटैटो को उसका जूस निकाल लिया है। फिर जिस बर्तन में पोटैटो जूस था उसका जो स्टार्च बचा था ना, वो मैंने रोज़ वाटर मिक्स करके इसमें पेस्ट में मिला लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लूँगी। आप देख सकते हैं पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अभी मैं अपने फेस पर आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। अपने फेस को वॉश कर लेना है। यहाँ पर मैंने वाइप से अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ। तो अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं इसको अपने फेस पर अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है, मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको अपने फेस पर अच्छे से लगा लेना है। अगर आपके फेस पर दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या फिर पिंपल्स वगैरह के दाग धब्बे हो गए हैं, तो ये फेस पैक उन सभी को रिमूव करने की ताकत अपने अंदर रखता है। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, दाग धब्बों को कम करता है। राइस में भी स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। एक अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, चेहरे में चमक लाता है राइस। पोटैटो में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होती हैं, तो वो भी आपके फेस के लिए बहुत अच्छा है। इसको लगा के मैं छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं इसको इस तरह से हल्के हल्के हाथों से रब करके निकालूँगी। ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है अपने फेस पर, क्योंकि चावल थोड़ा दरदरा होता है तो आपके फेस को हार्म कर सकता है। इसलिए हल्के हाथों से आप इसको इस तरह से स्क्रब करके निकाल सकते हैं। इस तरह से आपकी जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी सारी की सारी। आपके स्किन में ग्लो प्रोवाइड होगा, आप अपने फेस पर आप ग्लो देख सकेंगे, आपका चेहरा लाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको उस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना है जहाँ पर आपको डार्क स्पॉट, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, उन जगह पर ज़्यादा ध्यान देना है। हल्के हाथों से इसी तरह से आपको स्क्रब करके इसको निकाल देना है। आपको डबल डबल काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हल्का सा गीला होना फेस पर, तभी इसको इस तरह से करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट इसको अपने फेस पर स्क्रब करना है इस तरह से। फिर आपको नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लेना है। आप इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं इस फेस पैक को यूज़ करने के बाद में। अगर आपको ज़रा भी बेनिफिट इससे मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है sonamzone1991। यहाँ पर मैं अपने फेस को वॉश करके आ चुकी हूँ। आप मेरे फेस पर ग्लो देख सकते हैं। दोस्तों, मैं कभी कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं बार बार बोलती हूँ, जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो ज़रूर जानते होंगे कि मैं कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करती हूँ। तो आप मेरे फेस पर ग्लो देख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, एक अच्छा सा टोनर अपने फेस पर लगा लेना है। आपके पास टोनर नहीं है तो रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास गुड वाइब्स का विटामिन सी वो टोनर है, तो इसको अप्लाई कर लूँगी मैं। आप चाहें तो एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको लगा के आपको छोड़ देना है। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।